नमस्कार फ्रेंड्स, देखने में ये आड़ू जितने सुंदर और रसीले लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा गुणकारी ये हमारी बॉडी के लिए है, क्योंकि ये हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है ये, जो कि बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और वाइटमिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। वाइटमिन सी इससे बहुत अच्छा मिलता है, जो हमारी डेली नीड होती है। वो एक मीडियम साइज़ अगर आप आड़ू खाते हैं तो 15% विटामिन सी आपको मिलता है और 6% विटामिन ए आपको मिलता है। और भी बहुत ज़्यादा हमें जो न्यूट्रिशंस चाहिए, पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, जैसे कि आयरन है, विटामिन ई है, के है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये हमें आड़ू से मिलते हैं। और स्वीटनेस की बात है तो ये वैसे तो बहुत मीठा फल होता है, लेकिन इसकी स्वीटनेस बाकी फलों के मुकाबले थोड़ी कम है। इस वजह से इसे डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, मधुमेह के रोगी भी इसे खा सकते हैं। और एक ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो अगर आप चाहें खूब सारे आड़ू पाना और खाना तो आप एक बीज से भी इसे अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, एक पॉट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फरवरी के महीने में इस पर गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके जो फ्लावर पेटल्स हैं पूरे गार्डन में नीचे फैली हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये फूल देखकर बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि उस टाइम पत्तियां नहीं होती, सिर्फ ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस में बहुत ही प्यारे प्यारे ये फूल खिलते हैं। इसे जो बीज से ग्रो करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 या 3 साल का आपको टाइम लगता है। मैं अपनी मम्मी पापा के घर से आड़ू लेकर गई थी, यहाँ पर खूब बड़ा आड़ू का पेड़ है, और वहीं से जो बीज मैंने अपने गार्डन में ग्रो किया था। और जब पहले साल उसमें जो बीज ने ग्रो किया तो छोटा सा एक प्लांट निकला था, लेकिन उसके बाद फिर वो बड़ा हुआ और 2 से 3 साल के बाद आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे फ्रूट भी मिलते हैं। 3rd साल में मुझे इस पेड़ से फ्रूट मिले थे, और जो फर्स्ट टाइम फ्रूट मिले थे वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छे थे, न्यूट्रिशन से भरपूर थे। और उसके बाद हर साल ये फ्रूट दे रहा है, क्योंकि आड़ू एक ऐसा पेड़ है जो एवरी ईयर आपको जो फ्रूटिंग है वो देता है। इसको सिर्फ थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, इसको सनलाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 6 to 8 hours की सनलाइट इसे चाहिए, 6 से 8 घंटे की। रेन वाटर अगर आपके प्लांट में जा रहा है, जैसे कि मैंने ग्राउंड में ही लगा रखा है, तो बारिश का पानी जाता है, तो इसके लिए बहुत अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सॉयल से ही मॉइस्चर को कंटेन कर लेता है प्लांट। लेकिन पॉट में अगर है तो आप उसे वीक में 2 या 3 बार पानी दे सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की, क्योंकि फर्टिलाइज़र की से बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये प्लांट फ्रूट को प्रोड्यूस करता है और इसका जो बहुत जो एनर्जी है वो फ्रूट को प्रोड्यूस करने में लगती है। इसलिए आप इसको जो कॉपर से रिच है फर्टिलाइज़र वो आप इसको दीजिए। आप नेचुरल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो भी दे सकते हैं। और आपको इसे 2 बार फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है, एक तो अर्ली स्प्रिंग में जब स्टार्टिंग में इस पे पत्तियां और फूल आने शुरू होते हैं, और फिर 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद भी आप इसको फर्टिलाइज़ कीजिए, तो क्योंकि उस टाइम इस पर फ्रूट्स आते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको फर्टिलाइज़र दिया जाए। और दूसरा है इसको पेस्टिसाइड से बचाना। मेरे इस प्लांट में जब फ्लावर आए थे फरवरी के महीने में, तो उसके बाद ही इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी पत्तियां अपने आप से ही मुड़ रही थी सारी, और अगर उनको तोड़ दें तो उसके बावजूद दूसरी पत्तियां भी इसी तरह से मुड़ रही थी, जिसे आम भाषा में मरोड़िया की बीमारी कहते हैं। तो इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ गई थी, और उसके लिए फिर मैंने M45 फंगीसाइड का स्प्रे इस पर किया, जिसके बाद फिर ये ठीक हुआ और सारे इसमें बहुत सुंदर लीव्स और बहुत सुंदर इसमें फ्रूट्स आए, और आप देख सकते हैं हर जगह भर भर के इसमें गुच्छों में फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फंगीसाइड का इस पर स्प्रे करें देख के, क्योंकि इसमें बीमारी भी लग जाती है, फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है इसको, और इसको फर्टिलाइज़र दें और सनलाइट की इसको रिक्वायरमेंट है, सनलाइट दें। पानी की से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे अपने प्लांट में, अपने ट्री में, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट जो है वो रूट रोट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, रूट्स उसकी ख़राब हो जाएंगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पानी उसको सिर्फ वीक में 2 या 3 बार ही दिया जाए। और इसके जो अगर आपने ग्राउंड में लगा रखा है तो आप उसके आसपास का एरिया क्लीन रखिए, वहाँ पर जो अगर वीड्स हैं उनको रेगुलरली रिमूव करते रहिए, ताकि इसको मिट्टी से जो वाइटल न्यूट्रिशंस हैं और जो मॉइस्चर है वो ये अपना निकालता रहे, इसको वो मिलता रहे।
और इसको प्रोन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसे प्रोनिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो इसमें न्यू ब्रांचेज आएंगी, और न्यू ब्रांचेज के मतलब है कि आपको हर बार हेल्दी फ्रूट इसमें से मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको फ्रूट मिलेंगे जिनका साइज़ भी फिर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको इसलिए इसको प्रोन करना ज़रूरी है। और प्रोन आप इसको अगर अपने अपने एरिया के मौसम के अकॉर्डिंग आप इसको सर्दियों में अगर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में तो इसमें फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो न्यू ग्रोथ से पहले ज़रूरी है कि आप इसको प्रून कर लीजिए ताकि न्यू ब्रांचेज इसकी अच्छे से आ जाएं और उनमें कोई फिर कोई आपको और दिक्कत ना आए। तो ये फ्रूट बहुत फ्रूट प्लांट है जिसे आप इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। और मेरे गार्डन में जो ये पके हुए फल हैं जब गिरते रहते हैं तो नीचे बहुत सारे इसके अपने आप ही सैपलिंग्स निकल जाते हैं, नीचे छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं बहुत सारे, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैं इसके दे चुकी हूँ। और 2 या 3 साल के बाद ही इसमें नया जो फ्रूट है फर्स्ट फ्रूटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसको सीड से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आपको उसी साल फ्रूट चाहिए तो आप इसको फिर एक इसका मैच्योर प्लांट आप नर्सरी से ले सकते हैं। नर्सरी पर इसके जो प्लांट है मैच्योर प्लांट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से अपना एक प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप सीड से बड़ी ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सीडलिंग को 16 से 18 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उसमें ये बात ध्यान रखने की होती है। ये जो पौधा है ये इसी बार निकला है, सीड से ही ग्रो हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टमाटर के प्लांट लगे हुए थे और उनके बीच में ही जब मैंने टमाटर के प्लांट्स को हटाया तो ये नज़र आया, उससे पहले पता ही नहीं चला था कि यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है। बाकी का जो ये दूसरा प्लांट है इसे 2 साल हो गए हैं, 2 साल का प्लांट है ये, पिछले साल भी था और इस साल भी ये है, और अगले साल तो इस पर फ्रूट आ ही जाएगा क्योंकि मेरे दूसरे प्लांट पे जो अब मेन मेरा पेड़ है गार्डन में बड़ा आड़ू का, उसने भी 3रे साल में फ्रूट देना शुरू कर दिया था। ये वो प्लांट है जो इनका मदर प्लांट है, जो मम्मी पापा के घर में आड़ू का पेड़ लगा हुआ है। जून जुलाई में इस पर फल आते हैं और जब भी बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अगर नाना के घर आएं तो इस पर चढ़कर ही फल तोड़कर खाते हैं। अब तो पिछले 3 साल से मेरे गार्डन में भी ये पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे फल दे रहा है। न्यूट्रिशन से भरपूर इसके फल हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी अपने गार्डन में इसे लगाना चाहते हैं तो सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली मेथड है। बस 40% आपको हर साल इसे प्रून कर देना चाहिए। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।